नमस्कार मित्रों, के नए वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं रिंग रोड फेज़ टू का पैकेज वन दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट टू है, क्योंकि ये कई वीडियो में इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको पार्ट टू में बनाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कहाँ से आप लोग देख रहे हैं मेरी। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वो लोग बात कर सकते हैं हमसे। जो लोग बाहर से मेरी वीडियो देख सकते हैं, कभी अगर बनारस आना है तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी पिलर का काम चालू हुआ है, यहाँ पे अभी ये रोड पे काम काफ़ी बाकी, करीब 80% काम हो चुका है रिंग रोड फेज टू पैकेज वन का। देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अभी रोड फिनिशिंग काम चल रहा है अलकतरा डाल के, अभी काम काफ़ी बाकी है रोडों का, जो कि अभी पूरा इस साल के अंत तक हो जाएगा। मतलब ये रोड 2021 तक चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े मशीनें द्वारा काम चल रहा है यहाँ पे, अभी और आगे भी मैं दिखाऊंगा कितना काम हुआ है रोडों का। यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही, सिर्फ यहाँ पे जो लोग अगर यहाँ पे रहने अगल बगल के वही लोग सिर्फ आ जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में जो पिलरों का काम यहाँ पे देखिए अभी बनाया गया है, अभी अभी आगे काम हो रहा है। ये रोड राजा तालाब से हरवा तक है, ये जो कि 17 किलोमीटर है। रोड काफ़ी इधर ख़राब है, जहाँ बन रहा है रोड, जहाँ बन गया रोड तो काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। जो लोग कभी इस रोड से कभी गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे रोडों काम बाकी है, अभी मिट्टी वगैरह डाला गया है, अभी फिनिशिंग काम बाकी है, क्योंकि अभी अंडर पास और पिलर काम बाकी काफ़ी है। आगे राइड करके मैं दिखाऊँगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप देख पाएंगे वीडियो मतलब पूरा कहाँ कहाँ तक हुआ है ये। अभी देखिए आप काफ़ी मिट्टी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे बाइक का सावधानी से चला तो गिरने का चांस काफ़ी है। ये रोड बन जाने से काफ़ी लोगों को आसान हो जाएगा, जो यहाँ के रहने वाले लोग अगल बगल के होंगे, इससे बाहर ही बाहर निकल जाएंगे, बाबापुर निकल जाएंगे, उधर से कचहरी भी निकल सकते हैं रिंग रोड फेज वन से। देखिए मैं आगे से रास्ता थोड़ा बंद है, तो मैं आपको गांव से होके दिखाऊंगा कि काम आगे तक कहाँ हुआ, क्योंकि रास्ता नहीं है जाने का। इसलिए अगर ये वीडियो बनाने में अगर थोड़ी भी मेहनत किया हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोग जो बाहर से हैं वो वीडियो मेरी देख सकें कि बनारस में विकास कार्य कितना तेज़ी से चल रहा है। देखिए यहाँ पे टीन सेट डाला गया है, जो यहाँ वर्कर लोग रहते हैं इधर साइड में। देखिए इधर भी काम चल रहा है, थोड़ा आगे मैं चल के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सामने दिख रहा है मुझे जेसीबी से काम चल रहा है मिट्टी का, आप देख सकते होंगे। आप कमेंट करके बताइए और वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ। अगर किसी को बनारस घूमना है, अगर कुछ भी बाहर से है, तो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए अभी इसके काम यहाँ का देखिए काफ़ी बाकी अभी है। देखिए ये 2021 तक फाइनल हो जाएगा ये रोड। देखिए ना ज़्यादा रोड ख़राब है, बाइक हिल जा रही है एकदम चलाने में, और सामने देखिए ट्रक खड़ी है। देखिए बाइक जा रही, ज़्यादा बाइक नहीं जा रही, ज़्यादा जो लोग यहाँ से रहने वाले की तरफ, वही जो लोग को जाना है फेज वन की तरफ, वो लोग इस रास्ते से निकल जा रहे हैं। अगर ये हमको लगता है कि बरसात से पहले रोड चालू हो जाएगा, क्योंकि अगर बरसात आ जाएगा अगर रोड चालू नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाएगा कि बरसात होने से पूरा मिट्टी जो है पूरी गीली हो जाएगी। राइट साइड में जाते हैं खेत वेत है इधर, यहाँ पे कितने लोग का ज़मीन भी गया है, काफ़ी लोग का ज़मीन गया है। देखिए यहाँ पे ट्रकें खड़ी हैं काफ़ी, यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पे उसके लिए। मैं पूरा राइड किया हूँ फेज़ वन तक, दिखाऊंगा कि रोड का पूरा वीडियो लास्ट तक बनी रहेगा, पूरा दिखाऊंगा कहाँ तक काम चल रहा है। जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट वन जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है वीडियो,
क्योंकि जब पार्ट वन देखेंगे तभी ये पार्ट टू उनको थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ तक काम हुआ है पूरा। आगे देखिए लाइन से ट्रकें खड़ी हैं इधर, ये देखिए अंडर पास का काम चल रहा आगे। जहाँ दोबारा रोड बढ़िया मिले थोड़े बाइक की स्पीड थोड़ी तेज करनी पड़ रही है, नहीं तो ऐसे फिर धीरे धीरे लेके चलो बाइक। ये रूट जब बन जाएगा तब मैं राइड करके पूरा दिखाऊंगा कि रूट आप लोग को, जो लोग यहाँ पे गांव में जिन लोगों का घर इधर है उन लोगों को भी काफ़ी आसान हो जाएगा आने जाने के लिए। देखिए इधर का रोड थोड़ा बन गया तो देखिए काफ़ी बाइक चलाने में आसान हो गया है। देखिए वो सामने अंडर पास का काम चल रहा है, अभी पिलर का भी काम चल रहा है, अभी काम और बाकी है थोड़ा मतलब। सामने देखिए ट्रक आ रही है, थोड़ा मौसम गड़बड़ था ये थोड़ा फोड़ रहा था, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। देखिए लेफ्ट साइड से जो गांव में जाने के लिए रास्ता था, जब ये बन जाएगा तो उस साइड से रास्ता छोड़ दिया जाएगा गांव में जाने के लिए, जिसका घर गांव में है मतलब है। इस रोड पे आपको अभी ज़्यादा अधिकतर काम बाकी है, सिर्फ थोड़ा पिलर का काम बाकी है और अंडर पास बनाए, बाकी सब काम हो चुका है लगभग। रोड का जो फिनिशिंग काम वही बाकी है, सब वर्कर की गाड़ी सब आ रही हैं। मैं कल एक वीडियो अपलोड किया हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, देख उसको भी देखिएगा, उसको भी प्यार दीजिएगा। देखिए अंडर पास बनाने का यही बढ़िया फ़ायदा है कि जो गांव से लोग हैं वो अंदर ही अंदर निकल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी मिट्टी है, देखो बाइक चलाना थोड़ा स्लोली चलाना पड़ रहा है बाइक। अब हल्की हल्की थोड़ी बारिश भी हो रही थी लेकिन वीडियो में समझ में आएगा आप लोग को, लेकिन हल्की हल्की हो रही थी। लेफ्ट साइड में देखिए खेत है, हरियाली देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये राइड मैं किया हूँ राजा तालाब से हरवा तक, पूरा ये 17 किलोमीटर तक की राइड हुई है, जो कि मैं पूरी राइड करके दिखाऊँ कहाँ तक पूरा काम हुआ है। ये ज़्यादातर रूट पे आपको देखेगा मिट्टी ही दिखेगा मतलब, क्योंकि अभी काम रोड का फिनिशिंग काम बाकी है। जहाँ जहाँ हुआ था मैं दिखा चुका हूँ। देखिए आप यहाँ पे पिलरों काम छोड़ा गया है, देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे है। देखिए वरना पुल आ गया, ये देखिए यहाँ पे देखिए बन जाएगा ये तो काफ़ी लोगों को आसानी हो जाएगा। मेरे चैनल पे गंगा पे जो केबल ब्रिज बन रहा है उसकी भी वीडियो है, रिंग रोड फेज टू का पैकेज टू भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी वीडियो चैनल पे है आप देख सकते हैं जाके, क्योंकि वहाँ पे भी पिलर का काम चल रहा है। पिलर काम से जल्दी कराया जा रहा है क्योंकि गंगा में बाढ़ आ जाएगा, गंगा का किनारे बन रहा है वो, इसलिए तो काम वहाँ का जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए क्योंकि बाढ़ आ जाएगा तो बाढ़ में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर काम पिलरों का ख़त्म तो सिर्फ ऊपर पर काम होता रहेगा। थोड़ा यहाँ बाइक थोड़ा स्लो चलाना पड़ा क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है, इधर से देख सकते होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में हरे भरे पेड़ काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ का रोड देखिए थोड़ा बन गया है, अभी इस रोड पे फिनिशिंग काम बाकी है। रोड जो बनाया जा रहा है उस रोड की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। अभी देखिए यहाँ पे सर्विस लेन भी बनाया जाएगा ताकि जो पैदल जाने या साइकिल जाने में लोगों को आसानी हो जाने के लिए। देखिए ये तरफ का रास्ता छोड़ा गया है, देख सकते होंगे आप उल्टा बाइक आ रही लेके, क्योंकि अभी एक तरह का काम बाकी इसलिए उल्टा आ रहे हैं लोग। मैं उन लोगों से यहाँ बात किया हूँ तो बताया कि इस साल तक मतलब ये 2021 तक काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 80% तक काम हो चुका है लगभग इसका। अगर वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत किया हूँ तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरी मिले।
यहाँ पे देखिए जो लोग साइकिल से आ जा रहे हैं, ये रोड सीधे मिल जाएगा फेज़ वन में जाके, काफ़ी आसान हो जाएगा लोगों को आने जाने के लिए। सीधे बाबापुर निकल जाएगा, जिसको एयरपोर्ट जाना है एयरपोर्ट निकल जाएगा, जिसको सिटी में जाना है बनारस की तरफ भी निकल जाएंगे वो लोग। जैसे हो गया कचहरी हो गया, देखिए सामने देख सकते हैं फेज वन आ गया है। अब सामने को पुल दिख रहा होगा जो कि लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ के लिए जाता है। ये रोड पकड़ के आप कहीं निकलने बाहर निकल जाएंगे, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, निकल जाएंगे। देखिए इधर का रास्ता कितना, इस पर देखिए पानी डाल दिया गया, थोड़ा सा मतलब फिसल रहा है ये यहाँ पे। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ, तो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो लोग मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में बात कर सकते हैं। और हम देखिए फेज़ वन आ गया, सामने फेज़ वन का बोर्ड दिख रहा है, उसकी वीडियो आने वाली है नेक्स्ट। कोशिश करूँगा बनाने के लिए मैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सकरा रास्ता देख सकते हो, काफ़ी मिट्टी है यहाँ पे, थोड़ा बाइक स्लो करना पड़ा है, अगर थोड़ा तेज़ रहो तो गिरने का चांसेस यहाँ पे है। तो वीडियो का हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।